जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। देश के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या हो बहुजन समाज पार्टी, सभी ने अपनी अपनी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जो ग्राम असोड़ा से शुरू होकर हापुड़ के मुख्य मार्ग मेरठ रोड, अंबेडकर तराहा, तहसील चौबला, बलंचर रोड, सिकंदर गेट, तगासराया, कोटला सादात, मीनाक्षी रोड, पुरानी सब्जी मंडी, चंडी रोड, पक्का वाक, पन्नापुरी, भीमनगर, नवीन मंडी, अंबेडकर नगर, ततारपुर, सीतादेई, लालपुर, बागड़पुर व बाबगढ़ छावनी में जाकर संपन्न हुआ। प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा और चुनाव कार्यकर्ताओं ने मेरठ रोड तराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और योगेश वर्मा ने तहसील चौबले पर स्थित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर भी फूलमालाएं चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हेलो, तो वहीं सिकंदर गेट पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रत्याशी सुनीता वर्मा का पुष्प वर्षा कर वह मालाएं पहनाकर स्वागत किया और समाज की महिलाओं ने भगवान महर्षि वाल्मीकि का चित्र भेंट किया। तो वहीं महर्षि वाल्मीकि मंदिर में उनकी प्रतिमा पर प्रत्याशी सुनीता वर्मा व उनके पति ने माला पहनाकर महर्षि वाल्मीकि जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, रोड शो के समापन से पूर्व बाबूगढ़ छावनी में चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर वहीं के बाजार व मोहल्ले में जनसंपर्क किया। प्रस्तुत है एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज के कैमरे से की गई कवरेज। बहुत समर्थन मिल रहा है, जिस गली से निकले, जिस रास्ते से निकले, जन सैलाब रास्ते में था, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। समापन तो इन्होंने रूट मैप बना रखा है, बाकी ये यहाँ से असोड़ा मोड़ से शुरू हुआ है और जहाँ तक भी जाएगी, समय है अभी हमारे पास। भाजपा से हम पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, भाजपा अपना आप काम कर रही है। उनको तो जनता ने नकार दिया है और हमें जनता प्यार कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, जनसैलाब हमारे साथ है। लाखों लाखों वोटों से जीतेंगे, देखना काउंटिंग जब होगी। भाजपा वाले पहले 10-11-12 बजे तक आप तो यहाँ घर चले जाएंगे। ये देख, काला काला बन गया सारा। आयो आएगी रास्ता।
Yes!
भारी मतों से विजयी बनाए, साइकिल वाला बटन दबाए, समाजवादी इंडिया गठबंधन की जीत कराए। Thank you.
जैसा ये रोड शो चल रहा है, आपको कैसा लगता है, क्या जीत कर पाएंगे? हाजिर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की एक तरफा जीत है। मायावती जी की आज रैली हुई है मेरठ में, जो कि पूरी बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। भाजपा वालों ने रोड शो निकाला था, मात्र 150 आदमी उसके अंदर थे और समाजवादी का रेला जन सैलाब आप देख रहे हैं।
एटीसी फास्ट न्यूज रात को डल जाएगी। ये बताइए, क्या रोड शो करने से जीत हासिल कर पाएगी पार्टी की? निश्चित रूप से रोड शो ताकत प्रदर्शित करने का दिन होता है और हर दल रोड शो में अपनी पूरी ताकत झोंकता है। आज समाजवादी पार्टी ने बहुत जोरदार रोड शो हापुड़ के अंदर किया है और मेरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड रोड से इस लोकसभा को जीत करके अपना सांसद संसद में बनाने का काम करेगी। Thank you.
इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। वो तो हमारा भी ले लिए कभी हम रहे महंगाई के बारे में क्या कहना? महंगाई चरम पे है और महंगाई कम होनी चाहिए। रसोई चलानी भारी पड़ गई है, किसानों को खेतों में खाद डालना भारी पड़ गया है, सब लोग परेशान है, भुखमरी के कगार पे है पूरा देश। और एक गरीब बच्चों के लिए योजना चल रही थी 25% कोटे वाली फ्री वाली, उसमें जो है जब से भाजपा सरकार आई है तब से उन बच्चों का पैसा नहीं आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना? भाजपा वालों का ही पेट नहीं भर रहा, पहले तो उन्हें अपना पेट भरना है भाजपा वालों को, और फर्जी घोषणाएं करते हैं और फर्जी तरीके से पूरे देश को लूट के फेंक दिया है, देश को जो है बेचने के कगार पे है। अब तो देश बचाने की लड़ाई चल रही है। यदि आप जीत जाते हैं और उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो इंटर के पास जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद टेक्निकल कोर्स होता है जिसकी फीस छात्र क्षतिपूर्ति शुल्क होता है वो वापसी आता है, जब से ये सरकार आई है तब से वो भी बंद चल रहा है, तो आप जीतने के बाद उसका क्या करेंगे? देखिए, हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई योजनाएं लाएंगे और जो समस्याएं हैं उनको समाधान करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ कोई ना कोई उद्योग लगवाने का पूरा जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, हर तरीके से काम करेंगे। लोगों की जनता जो अब जनसैलाब है इनकी हर उम्मीद पर खरा उतर के दिखाएंगे, पूरी तरीके से सेवा करेंगे जनता की। मुकाबला किससे मांगा? मुकाबला भाजपा से हो सकता था अगर लोकल का कैंडिडेट होता, लोकल का कैंडिडेट नहीं, बाहर का कैंडिडेट है, उसे बॉम्बे जाना है, यहाँ कोई समस्या अगर आती है तो वो बॉम्बे जाएगा अपने काम के लिए, छोटे से ना तो हवाई जहाज़ में बेचारे के पास किसी के पास किराया है, ना गाड़ी की, ना इतना समय है, तो इसलिए जनता ने सोच लिया है कि उसको बम्बई भेजना है, सुनीता वर्मा को दिल्ली भेजना है। मुकाबला आपका भाजपा सा है जो नाटक कंपनी में राम का रोल करा है उससे? देखिए, राम का रोल किया है वो, उसको यहाँ राम बना के पेश किया, वो नकली राम है। राम तो दिल्ली इसमें मंदिरों के अंदर, दिलों के अंदर होते हैं, ऐसे नकली राम को जनता अब जो है बिल्कुल भी उसको जो मतलब इसको जनता जो है बॉम्बे भेजेगी, और नकली राम से कोई मतलब नहीं है किसी का भी, और ना वो हाथ मिलाते हैं किसी, ना कुछ। उनका एक डायलॉग है डोंट टच मी, तो इस डोंट टच मी को जनता ने भी कह दिया डोंट टच मी, उसको यहाँ से भेज रहे हैं। जैसा पहले चरण में भाजपा पीछे चल रही है सुनने में यह है, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? जो पहले मतलब तो पीछे चलेगी ही, अब यहाँ 26 तारीख को तय कर लिया है भाजपा का सुपड़ा साफ करने का, तारीख तय है, तारीख जो अब आ रही है 26 तारीख, उस 26 तारीख में भाजपा का सुपड़ा साफ करने का दिन तय कर दिया, मुकर्रर हो गया है।
अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।